तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, हैं।, तो हैं। तो ज्योति का मैसेज आ चुका है ऑल क्लियर संदीप का मैसेज आ गया ऑल क्लियर और मोहन ने लिखा है ओके okay. प्रशांत का भी मैसेज आ गया ऑल क्लियर आशीष वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी तो चलिए आज का जो सेक्शन है थ्योरम का इसको शुरू करते हैं ठीक है इस थ्योरम पे आपको लेके जाने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि और नॉटन थ्योरम की जरूरत क्या पड़ती है कब आपको नीड पड़ती है कि केवीएल केसीएल से आगे बढ़ के तो पहले समझते हैं देखो और जो है ना वो बेसिकली एक टाइप के थ्योरम कैटेगरी में आते हैं और इन थ्योरम्स का यूज होता है सर्किट को सिंप्लीफाई करने का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है एक सिंपल नेटवर्क में चेंज करना है अभी तक अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया एकदम ध्यान से समझना जो चीज मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया कि केवीएल या केसीएल इन बोथ द केसेस आपका नेटवर्क कहीं पर भी रिड्यूस नहीं हो रहा था ठीक है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल साइनाथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर आपका नेटवर्क कहीं पे भी रिड्यूस नहीं हो रहा है अगर आप केवीएल और केसीएल से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसको कैसे समझोगे बता रहा हूं आपको इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिए ये वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है ठीक है सीधे टॉपिक पे आते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं और थ्योरम्स बहुत बड़े हैं तो पूरा का पूरा एकदम टू द पॉइंट में बात करूंगा आप लोगों से और आप लोग इस पॉइंट को समझिए सबसे पहले तो कि अगर सपोज ऐसा कोई नेटवर्क है मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क है और मुझे किसी एक क्वांटिटी के अक्रॉस कोई वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने बोला हुआ है ठीक है किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस कोई क्वांटिटी फाइंड करने को बोला हुआ है और मुझे क्वेश्चन कोई टू आई थ्री और फिर अल्टीमेटली मैश करेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा एंड बाय यूजिंग दैट वैल्यू आई विल फाइनली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बट एट तीन मैश की सर्किट एक मैश की सर्किट में कन्वर्ट हो गई क्या क्या वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो था वो सिंप्लीफाई होके एक सिंप्लीफाइड मॉडल में कन्वर्ट हुआ क्या तो ऐसा नहीं हुआ कहीं पर भी ठीक है ये की बात थी अगर केसीएल को आप नोटिस करो इस सेम क्वेश्चन को अगर मुझे केसीएल से सॉल्व करना होता तो मैं क्या आइडेंटिफाई करता सबसे पहले नंबर ऑफ जंक्शन नंबर ऑफ जंक्शन जंक्शन वी वन जंक्शन वी टू यहां जंक्शन वी नॉट इक्व टू जीरो ऐसा कुछ मैं लिखता और उसके बाद फिर से इसको सिंप्लीफाई करता हर जंक्शन से आउट गोइंग करंट्यूम करता फिर अपॉन आर के फॉर्म में करेंट की वैल्यू लिखता और ऐसा करके जंक्शन पोटेंशियल फाइनली कैलकुलेट कर लेता वो तो ठीक है लेकिन जब फाइनल वैल्यू पे आप पहुंचते तो क्या ये नेटवर्क जिसमें दो एक्टिव और एक रेफरेंस जंक्शन है क्या ये सिंप्लीफाई होके एक एक्टिव जंक्शन वाला नेटवर्क बना क्या ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है ऐसा कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है यहां पे यानी आपके नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट सॉल्व करने के बाद भी उतनी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ठीक है आपका नेटवर्क कहीं पर भी रिड्यूस नहीं हो रहा है जो आपका इनिशियली जितने लेवल का जो क्वेश्चन था वो उतने ही लेवल का हो जा रहा है ठीक है लेकिन जब आप थ्योरम सप्लाई करते हैं जब आप थ्योरम सप्लाई करते हैं तो आपका नेटवर्क

अगर वो कुछ सर्टन क्राइटेरिया को मैच करता है कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी अपने अंदर रखता है तो ऐसे किसी भी नेटवर्क को चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू इट्स इक्विवेलेंट नेटवर्क एक उसका इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में आप उसको बदल सकते हैं और उस सर्किट से फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी आपको इसमें से

स थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में ना इसको इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं थ्योरम इसी को पूरा बोलते हैं हेल्मोल्ड्स थेवेनिंस थ्योरम ये दो अलग अलग फिजिसिस्ट का नाम है ठीक है ये एक ही पर्सन का नाम नहीं है ये दो अलग अलग लोगों का नाम है हेलमोल्ड्स

इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं जिनमें बाइलेट्रल और लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जुड़े हों ठीक है तो ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क एलिमेंट्स अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे किसी भी नेटवर्क को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू

प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है प्रीवियस जितने भी वीडियोस आ चुके हैं आप उसको जल्दी से फॉलो कर लो और आज जो अभी चल रहा है उसको प्रॉपर देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आज ठीक है तो और नॉटन का क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल आ रहा है सर्किट्स आ रहा है और नॉटन ना पूछा हो वो चाहे सेमेस्टर आपका एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो हर जगह पर इनकी इंपॉर्टेंस है ठीक तो नॉटन थ्योरम जो है नॉटन थ्योरम जो है वो वो थेवनिन्स थ्योरम का कन्वर्स है इट इज द कन्वर्स ऑफ थेवनि थ्योरम लगभग एक ही तरीका है सोल्व करने का बस सोर्स के फॉर्म में कुछ डिफरेंस हो जाता है सर्किट जो इक्विवेलेंट वैल होता है उसके फॉर्म में कुछ डिफरेंस हो जाता है ठीक है तो कुल मिला के आपको इससे यह समझ में आएगा कि ये जो दोनों ही थ्योरम्स आप लोग आज पढ़ रहे हैं ये दोनों नेटवर्क को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक कॉम्प्लीकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बदल सकते हैं

तो चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो इट कैन बी सिंप्लीफाइड इंटूअ इक्वीवेंट और इट कैन भी सिंप्लीफाइड इंटूअट ये क्लियर है क्या सभी को तो बताते जाओ तो फिर आगे बढ़ते हैं अगर एक दूसरे का कन्वर्स है तो कौन सा नेटवर्क कब यूज करने का है ऐसा आकर्षण पूछा हुआ है ठीक है तो मैं बताऊंगा आपको कि आपके सर्किट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से और आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए करेंट्स के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में डिपेंडिंग अपॉन दैट हम या को यूज कर सकते हैं ठीक है

ये क्या बताता है आपको ठीक चलो सबसे फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर सर्किट कोई भी लीनियर या बाइलेटरल सर्किट अगर है कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस एंड रेजिस्टें कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन सिंगल वोल्टेज इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस अ लोड ठीक है मतलब हाँ देखो तक्ष ने लिखा हुआ है ज्योति ने भी लिखा हुआ है ज्योति ने लिखा है सर सुपरपोजिशन से भी आते हैं क्या क्वेश्चन डेफिनेटली क्ष लिखा है नॉटन एंड लाइकली सिमिलर बिल्कुल काफी हद तक सिमिलर इसलिए तो कन्वर्स बोल रहे हैं ना थोड़ा सा अपोजिट है लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है और काम बिल्कुल एक ही जैसा करते हैं दोनों जैसे केवीएल केसीएल केसीएल में आप लोगों ने देखा ना दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही केवीएल और केसीएल में आप लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें कहीं ना कहीं वोल्टेज करंट या पावर यही तीन चीज आपसे पूछा था और आपने वैसा ही सर्किट यूज किया जैसा केवीएल में था वैसा ही सेम सर्किट केसीएल में भी आपको दिखाई दिया कोई खास अंतर नहीं था ठीक है और केवीएल के क्वेश्चन को आप केसीएल से सोल्व कर सकते हैं और केसीएल के क्वेश्चन को केवीएल से वैसे ही एक्जैक्टली exactly थे तो आपको यहां पर यह बता रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसके एलिमेंट्स लीनियर या बाइलेटरल हैं जिसके एलिमेंट्स लीनियर या बाइलेटरल हैं, तो और इसके साथ इसमें सेवरल वोल्टेज सोर्सेस कई सारे वोल्टेज वोल्टेजेस हैं कई सारा रेजिस्टेंस है तो वो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो उसको आप एक इक्विवेलेंट सर्किट में बदल सकते हैं उस इक्विवेलेंट सर्किट में कौन सी चीज होगी उस इक्विवेलेंट सर्किट में एक सिंगल वोल्टेज होगा सीरीज में विथ अ सिंगल रजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द लोड रजिस्टर ठीक है धनेश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी समझ आ गया ये चीज

सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो अगर वो बेसिक दो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो लीनियर बाइलेट्रल एलिमेंट्स को मिला के बना हुआ है तो आप उसको एक टू टर्मिनल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में जहां पे एक सिंगल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा सीरीज अ रेजिस्टर और सीरीज अ लोड ये कनेक्शन आपको मिलेगा विकास कनेक्टेड है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बिकॉस आपको भी क्लियर तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरम लिखा हुआ है थ्योरम इज स्पेशली यूजफुल इन द सर्किट एनालिसिस ऑफ पावर और बैटरी सिस्टम्स आपके माइंड में आता होगा ना कि सर किस का एप्लीकेशन क्या है तो यही इसका थर्ड पॉइंट में आपको मिल जाएगा ठीक है लिखा हुआ है थ्योरम इज स्पेशली यूजफुल इन द सर्किट एनालिसिस ऑफ पावर और बैटरी सिस्टम्स एंड अदर इंटरकनेक्टेड रेजिस्टिव सर्किट्स वेयर इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्किट क्लियर चलो इक्विवेलेंट आपके माइंड में आ रहा है तो उसको देख लेते हैं तुरंत बोर्ड पे कि कैसा दिखता है जब लिखा हुआ है यहां पे कि एक सिंगल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स विध रिस्पेक्ट टू अ सिंगल रेजिस्टर दैट इज आल्सो नोन एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या जिसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टेड अक्रॉस कनेक्टेड विद अ लोड ठीक तो ऐसा एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है और यही होगी इक्विवेलेंट सर्किट ये किसकी इक्विवेलेंट होगी आप चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्यों ना ले आओ आप उस हर नेटवर्क को इस फॉर्म में बदल सकते हो ठीक है अब हर एक नेटवर्क को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बस दो चीज होना चाहिए उस नेटवर्क में लीनियर और बाइलेट्रल एलिमेंट से मिलकर वो नेटवर्क बना होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर इट कैन डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इन टू फॉर्म एंड दिस इज दिसवन इक्विवेलेंट सर्किट ठीक है इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट नीतीश वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है रंजन गुड मॉर्निंग आपको भी मोहन इफ इन अ सर्किट अ डायोड देन हाउ टू कैलकुलेट तो पहले आप इस चीज का आंसर करोगी डायोड क्या लीनियर है क्या

तभी तभी लॉ काम करेगा, वी प्रोपोर्शनल टू आई आगे आगे बोल सकते हो, जब आप तो बोल हो तो हो, तो हो, तो exactly क्या होना चाहिए लीनियर और बायोटरल एलिमेंट्स को मिला के ही बना होना चाहिए ओनली इन दैट केस यू कैन दिस थ्योरम तक ने लिखा है सर क्लास नंबर 17, 18 और 19 अभी तक प्लेलिस्ट में नहीं है इसको ठीक है मैं चेक कर लेता वैसे तो कल बाकी सारे के सारे जो क्लासेस थे वो तो अपडेट हो गई थी बट फिर भी हो सकता है अगर मिस हुआ होगा तो इसको मैं ध्यान में रख के आज करवा दूंगा ठीक है संदीप ने लिखा है कि डायोड इज अ नॉन लिनियर क्लियर है आंसर आप ही लोगों को पता है बिल्कुल इस चीज का इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि अगर डायोड है तो ना तो वो लीनियर की कैटेगरी में आता है ना वो बायोलेटल की कैटेगरी में आता है ठीक है चलो सो दिस वॉज अबाउट अभी इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊंगा और यहां पे एक और चीज आप लोगों को बताना था मुझे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लेते हैं ठीक तो इससे फायदा क्या होगा आप इस लोड के थ्रू जाने वाली करंट आई एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से कैसे आप इसमें फॉर्मुला लिखेंगे आई एल इज इक्वल्स टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल ये आइडेंटिटी बन के आती है जिसको भी बोलते हैं हम लोग ठीक है क्लियर है तो

इस आइडेंटिटी की हेल्प से मिल जाएगी सो दिस वॉज इन द्योरम अब अगर मैं यही बात बातन थ्योरम के लिए करूं अगर मैं यही बात नॉटन थ्योरम के लिए करूं तो इसमें क्या समझ में आता है देखते हैं इसको नीतीश ने लिखा सर डायोड इज अ नॉन अनियर एक्सप्लेन नीतीश थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में आप जाओ जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी और ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है कि डायोड क्यों नॉन लिनियर होता है डायोड exactly के ही बारे में मैंने बताया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा फोकस करते हैं इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज वेरियस सर्किट एलिमेंट्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट

यानी अब सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे अगर नॉटन सियोरम की अगर आप बात करते हो तो ठीक है लिखा हुआ है द करेंट सोर्स बीइंग शॉर्ट सर्किटेड करंट अक्रॉस द लोड टर्मिनल एंड द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क पूरे सोर्स नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो उस करेंट सोर्स के साथ पैरल में होगा जो कि जहां परंट सोर्स जो है वह कौन सी करंट होगी ये आपकी शॉर्ट सर्किटेड करंट होगी जिसको कि कई बार आई एस सी से डिनोट करते हैं किससे आई एस सी आई एस सी से डिनोट किया जाता है विच रिप्रेजेंट नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करेंट

ठीक है शॉर्ट सर्किट करंट होता है ये रेजिस्टेंस और में किसके साथ जुड़े हुए हैं ये लोग लोड के साथ तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आप इस फॉर्म में भी बदल सकते हैं अगर वो ये सारी क्राइटेरिया को मैच करता है ठीक है बिल्कुल सही तक ने लिखा आर टी एच और आर एन दोनों एक ही है इक्वल है ठीक है मोहन ने लिखा सोर्स कन्वर्जन कन्वर्जन ठीक है बढ़िया तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं एकदम क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ चुके हो कि थे और नॉटन क्या करते हैं कहां किस टाइप की सर्किट में आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है जब आप उसको अप्लाई करते हैं ठीक है रिक्वायरमेंट में क्या चीज है कि आप नॉटन लगाएंगे और रिक्वायरमेंट में क्या है कि आप थे अप्लाई करेंगे ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर है कि, कि किस तरीके का सोर्स और कैसा नेटवर्क चाहिए तो आप थे अप्लाई करेंगे ठीक है तो ये आपको अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं और सीधे इसका एप्लीकेशन का तरीका सीखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है सर्किट में ठीक शुरुआत करते हैं फ्रॉम द थ्योरम और उसके बाद ये क्वेश्चन एक लेंगे बोर्ड पर चलो सबसे पहले तो बोर्ड पे आपके चलो क्वेश्चन ही ले आता हूं उसके बाद इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसका मैं तरीका समझाऊंगा सपोज कर लो ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ये दो दो पॉइंट पॉइंट पे आपको इसी दो के अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस आपको यहां क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन द गिवन सर्किट इफ द लोड रजिस्टर बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ फाइव ओम्स यानी ए से बी के बीच में जो लोड रजिस्टर होगा वो कितने का है वो फाइव ओम्स का है ठीक है ट द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट बाई यूजिंग लगा दिया जाए कितने का आर एल इज इक्वल टू फाइव ओम्स ठीक है सो so, फाइंड करना है आपको करेंट फ्लोइंग थ्रू इट बाई यूजिंग दूरम ठीक है बिल्कुल आसान है आपको फाइंड आउट करना है आप केवीएल सोस ट्रांसफॉर्मेशन किसी से भी कर सकते हो सोल्व ठीक है आप एकदम फ्री हैंड है आपके लिए लेकिन अगर ये पेपर टू का क्वेश्चन है तो फिर कोई फ्री हैंड नहीं है फिर आपको से ही इसको सॉल्व करके स्टेप बाई वाइज पूरा दिखाना पड़ेगा तो इस पे जाने से पहले इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको का बेसिक समझा देता हूं ठीक है कि थेवनि में आपको करना क्या होता है तो चलो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस सर्किट को लेके बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि इस सर्किट में क्या किया जा सकता है और

अगर आपको यहां पर वी टी एच फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एक सर्किट ड्रॉ करोगे जहां पे लोड रेशर को आप हटा दोगे रिमूव कर दोगे ठीक है अब इसको जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे यहां से इसको जैसे ही हम लोग ऐसे रिमूव करेंगे ये A और बी दो ओपन पॉइंट बचेंगे हमारे पास ठीक है अब ये A और बी जो दो ओपन पॉइंट बचे आपको इन्हीं दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करनी है और वही वोल्टेज जो होगी वो कहलाएगी दोल्टेज वी टी एच ये वोल्टेज आपको यहां से यहां के बीच में फाइंड आउट करना है ठीक है चलो देखते हैं अब ये वोल्टेज फाइंड करने के लिए आप जो मेथड चाहो यूज कर सकते हो प्योरली एकदम टोटल फ्रीडम है आपके लिए आप केवीएल यूज यूज करो करो आपकी चॉइस है ठीक ये ओपन सर्किट है इतना ध्यान रखना नॉर्मली मैं केवीएल से ही कराता हूं ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो केसीएल से भी बना सकते हो दैट इज अप टू यू क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए तो अगर सपोज कि मैं यहां पे केवीएल लगाने जाऊं तो मुझे दिखेगा कि यहां पर एक मैश है और यहां पर दो दूसरी मैश है ये आई वन करंट है और इसकी करंट आई टू है जहां पर आई वन की वैल्यू पहले से नोन है तो मैं अगर लिखूं यहां बाय अप्लाइंग के वी एल दैल्यू ऑफ आई वन इज टू एम्पियर्स ठीक है जबकि फॉर आई टू फॉर आई टू मुझे यहां पे मैश इक्वेशन बनाने की जरूरत है मैश इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो यहां लिखूंगा प्लस ट्वेल्व ठीक है और अगर शॉर्टकट में मैं बना रहा हूं तो यहां पर लिखूंगा फोर आई वन आई वन माइनस एट एन एट सिक्सटीन एंड फोर ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी टू डायरेक्शन के हिसाब से प्लस ट्वेल्व और उस साइड भेजोगे तो इट विल बी माइनस ट्वेल्व ठीक आपको पता आई वन की वैल्यू पहले से टू है टू इंटू फोर कर दोगे तो ये हो जाएगा एट माइनस ट्वेंटी आई टू इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व माइनस एट ठीक या तो फिर I2 I2 to, to तो हो गया गया और यहां से भी आपने भेजा आंसर तो आपका आ क्या क्या इतना ही होगा? क्या इतना ही होगा? 1 ampere ही ही होगा होगा होगी ना इसकी ठीक है समझते जाते हैं हम लोगों ने I1 I2 दोनों निकाला आपके माइंड में आएगा कि सर आपने I1 I2 क्यों निकाला हमको सर VTS चाहिए था तो डायरेक्टली बीटीएस निकाल लेते तो बेटा डायरेक्टली बीटीएस निकालने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए ए से लेके बी तक उसके लिए मुझे क्या चाहिए आई की वैल्यू चाहिए ठीक है अगर सोल्व कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले करंट्स निकालना होगा तो करंट्स में आई वन की वैल्यू मेरे पास थी पहले से आई टू की वैल्यू अब आ गई है वन एमपियर ठीक अब क्या करना चाहिए मुझे

तो मतलब ऊपर ऐसे प्लस और नीचे ऐसे माइनस लिखूंगा एंड दिस विल बी अवर वी टी एच फाइव के थ्रू जाने वाली करंट है one one करूंगा दक्ष ने लिखा है कि सर आई टू कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए आई टू कैलकुलेशन ना ठीक है चेक कर लिया गलती भी दिख गई मुझे क्या दिखी पता है जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं दिखी है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं दिखी है ये फाइव ओम कैलकुलेशन में कहीं नहीं है ये फाइव ओम कैलकुलेशन में कहीं नहीं है तो इसको चलो जल्दी से ठीक कर लेते हैं सही टाइम पे आपने पॉइंट आउट किया अदरवाइज ये हो जाता फिर से देखो एक बार अच्छे से अब देखो इक्वेशन जो बन रहा है 8 और 8, 16 4, कितना हुआ 12. ऐसा होना था ना इक्वेशन ये वाला क्लियर है क्या दिखा सभी को ये वाला संदीप को दिखा तक्ष को भी दिखा और, सं, तक्ष ने तो पहले बताया, और संदीप ने फिर बोल दिया ठीक है सर फाइव है बढ़िया गुड तो अब ट्वेंटी फाइव आई टू होना था और इसमें जब मैं आई वन की वैल्यू पुट करूंगा टू तो ये बन जाएगा 4 2, 8, उधर गया तो 8, तो तो बहुत बढ़िया ऐसे ही अलर्ट रह के आप लोग भी अगर सॉल्व करोगे तो अच्छा होगा और जो बच्चे सिर्फ देखते हैं जितने स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड पे देख रहे हैं हाँ सर अच्छा ठीक है सर बता रहे हैं ठीक है ठीक है हम लोग भी देखते हैं अरे वाह सर से बन गया हमसे भी बन गया ऐसा नहीं होता बेटा सर से तो बन गया आपसे कब तब बनेगा जब आप लोग कॉपी में सॉल्व करते रहोगे ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा हम लोगों के साथ भी होता था हम हमारे टीचर भी जब बोर्ड पे सॉल्व करते थे ना तो हम लोग उनको देखते रहते थे और जब जैसी उनसे बनता था हम लोग बोलते वाह ये तो मुझसे भी बन गया अब तो मैं भी समझ गया मैं भी बना लूंगा लेकिन जब एक्चुअल में आप सॉल्व करते हो तब आपको समझ आता है कि नहीं यहाँ पे ये पॉइंट गलत है यहाँ पे ये चीज गलत है हमारे सर क्या करते थे जानबूझ के एक दो प्लस माइनस साइन छोड़ देते थे, थे गलत कर देते थे और फिर हमसे पूछते थे कि बताओ आएगा इतना वैल्यू हम लोग बोलते थे हाँ सर आप लेके आए तो आ ही रहा होगा तो ऐसा नहीं होता है फिर सॉल्व जब करो तो बोलते थे नहीं सर ये तो वैल्यू डिफरेंट है ये तो ऐसा नहीं आना चाहिए ठीक है ठीक है क्लियर है सभी को चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पे क्या हो जाएगा आई टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वेंटी अपॉन माइनस ऑफ ट्वेंटी सॉल्व कर लेते हैं माइनस ऑफ ट्वेंटी और माइनस ऑफ ट्वेंटी फाइव तो वैल्यू हमारे पास आएगी जीरो पॉइंट 8 के. कितनी आएगी जीरो पॉइंट एट ही आ रहा है ना चेक करके बताना मुझे ठीक है बेटा कौन चेक करके बताएगा मुझे मोहन मुझे चेक करके बताएगा आशीष का आंसर आ गया आई टूज इक्स टू पॉइंट एट ठीक वोल्टेज कैसे बनाएंगे पोलैरिटी क्या सभी को क्लियर है तो मुझे एक बार बताना वोल्टेज एक बार जल्दी से देख के मुझे बताना क्या सबका करंट ऐसा आ गया क्या पॉइंट एट संदीप का आ गया बढ़िया गुड अब थोड़ा ध्यान देना ये पॉइंट एट वाली करंट जो है यहां एंटर कर रही है ऊपर प्लस साइन यहां से लीव कर रही है नीचे माइनस साइन ठीक अब पॉइंट एट इंटू फाइव कर दो पॉइंट एट इंटू फाइव कर दो वहां की वोल्टेज आएगी जल्दी से मिस नहीं करना ये वाला पॉइंट ठीक है पॉइंट एट इंटू फाइव तो वैल्यू कितनी आ गई 0.8 5 किया मेरे पास वैल्यू आ गई 4 वोल्ट्स की ठीक है ये ऊपर प्लस साइन और नीचे माइनस साइन VT का साइन मैंने पहले ही ले रखा है अब अब अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पूरा एनालिसिस चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो मैं इसको लिखूंगा -VT H 4 0 देयरफॉर VT H 4 वोल्ट्स क्लियर ये आया सभी को उत्कर्ष का आ गया फोर वोल्ट तक्ष का आ गया फोर वोल्ट ज्योति का आ गया 4 वोल्ट बढ़िया आकर्ष ने पूछा है कि सर करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से एंटर करती है रेजिस्टर में पूछा है है या बताया है आकर्ष ने एक बार मुझे बताओ ठीक है चलो मैं इसको लेकिन क्लियर कर देता हूं अगर आपने पूछा भी होगा तो मोहन ने लिखा है आर एल इज इक्वल्स टू समझा नहीं मैं आर एल आई इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट फोर एम्पियर

जिसमें करंट कहां से कहां जा रही है वो मुझको पता है पहले से जैसे ये रजिस्टर था और इसमें आई टू करेंट कहां से कहां जा रही है वो तो पता है लेकिन अगर इस रजिस्टर को मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है इसकी वोल्टेज ड्रॉप को दिखाना है तो मुझे उस वोल्टेज ड्रॉप के लिए कहीं ना कहीं तो प्लस और माइनस लिखना है ना वो कैसे लिखूंगा मुझे पता है कि रजिस्टर में करंट कहां से कहां जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है वोल्टेज को हमेशा वो कम करेगा ड्रॉप होगा और अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कि करंट जहां से एंटर कर रही है वो पोटेंशियल हाई पे होगा और जब करंट लीव करेगी तो पोटेंशियल लो हो जाता है तो इस सेक्शन को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं इस आइडेंटिटी को तो अगर इस रजिस्टर पर मुझे ये वोल्टेज ड्रॉप दिखाना है तो मैं क्या देखूंगा करंट जहां एंटर कर रही है वो हाई पोटेंशियल पे रहेगा और जहां से करंट लीव कर रही है लो पोटेंशियल पे रहेगा इसी को देख के ऐसा वोल्टेज ड्रॉप हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है क्योंकि रजिस्टर में तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप ही होना है जिस्टर दुनिया का कोई रजिस्टर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वोल्टेज को राइज करवा दे अचानक से ठीक है और अगर ये वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है तो मतलब करंट एंटर कर रही है हायर पोटेंशियल पे और करंट जब लीव की तो पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम हो गया दूसरे एंड पे ठीक है यही कारण होता है कि हम लोग हमेशा हमेशा रजिस्टर में अगर उसको वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में अगर उसका वोल्टेज एक्सप्रेस करना है तो जहां से करंट एंटर करती है उसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे शो करते हैं और जहां से करंट लीव कर रही है उसको हमेशा लोअर पोटेंशियल पे शो करते हैं ठीक है क्लियर है बढ़िया आकर्ष गुड उत्कर्ष ने भी लिखा है करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल बढ़िया गुड है तो सभी आइडेंटिटी के हिसाब से सभी फैक्ट्स के हिसाब से ये हमारा जो सिस्टम है वो सही बैठ जाता है क्लियर चलो क्या वीटीएच सभी का आ गया अब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको अगला स्टेप होता है आरटीएच का कैलकुलेशन का नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर तो आर निकालना है कैसे निकलेगा भाई चलो देखते हैं आरटीएच निकालने का कुछ रूल होता है क्या रूल होता है बता रहा हूं आप लोगों को ठीक है इस डायग्राम को जरा सा क्लियर कर लेते हैं आरटीएच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सोर्स नेटवर्क क्या बोला मैंने फिर से सुनो ध्यान से आरटीएच इज द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द एंटायर सोर्स सर्किट नहीं समझे फिर से सुनो आर टी एच है ना नॉर्मली इसमें टी जो होता है वो कैपिटल में होता है नॉर्मली इसको ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये किसी का नाम है ये यह को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है आशीष ने भी बोला कि सर क्लियर बढ़िया वेरी गुड यार ऐसे ही जहां भी डाउट आए आप लोग पूछते जाना ठीक है आर टी एच रिप्रेजेंट द थेवेन्स इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस ठीक है इसको और क्या बोलते हैं दिस इज द दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर सोर्स नेटवर्क पूरी की पूरी सोर्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस देखने से जो मिलेगा ट विल बी योर आरटीएच उसी को बोलेंगे आरटीएच मोहन ने लिखा है करंट प्लस टेन वोल्ट टू प्लस थ्री वोल्ट कैन फ्लो करंट प्लस टेन वोल्ट से प्लस थ्री वोल्ट की तरफ फ्लो हो रही है ठीक है प्लस टेन वोल्ट और प्लस थ्री वोल्ट मुझे यहां पर फिलहाल तो दोनों नहीं दिखाई दे रहे तक्ष ने लिखा है आरटीएच इस फोर ओम परफेक्ट तक बढ़िया बाकी लोगों को भी मैं बता देता हूं जल्दी से हो के पूरी का इस दो रखना पड़ेगा पहला सर्किट में कुछ चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा जैसे कि एक्टिव एलिमेंट्स एक करंट सोर्स है दूसरा वोल्टेज सोर्स है ध्यान से समझो इसको सुपर पोजिशन के समय क्लियर करूंगा और ज्यादा ठीक है अभी फिलहाल जितना बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो अगर आपको कहीं पे वोल्टेज सोर्स दिखाई देता है अगर आपको कहीं पे वोल्टेज सोर्स दिखाई देता है सो इट रिप्लेस्ड विध इट रिप्लेस्ड विध आर इज इक्वल्स टू जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल केस में होती है शॉर्ट सर्किट ब्रांच जबकि अगर आपको कहीं पे करंट सोर्स का इक्विवेलेंट जानना है ठीक है अगर कहीं आपको करेंट सोर्स का इक्विवेलेंट चाहिए तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफानाइट एंड इट इज रिप्लेस्ड इट इज रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट ब्रांच इट इज रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट ब्रांच मोहन ने भी लिखा हुआ है ठीक है संदीप ने लिखा कि करंट को ओपन सर्किट एंड वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सही राइट right ऐसा करने के बाद जो सर्किट बचेगा उसमें केवल और केवल आपको रजिस्टर ही दिखाई देगा पूरा प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क बचेगा और फिर आपको वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्या ये सबको समझ में आया क्या एक बार जल्दी से मुझे हाँ या ना में बताओ जल्दी से ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसपीटी करने के समय आपको सबसे ज्यादा काम पड़ेगा ये थ्योरम में हर बार 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 आपको जब करोगे नेटवर्क को तो बार -बार ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स को आपको हटाना पड़ेगा ठीक है अमन जयसवाल वेरी वेरी वेलकम आपको भी मुझे लग रहा है कि आप हमारे न्यू स्टूडेंट है न्यू सब्सक्राइबर है तो आपको बहुत सारा वेलकम और वेरी गुड मॉर्निंग आपने लिखा है फोर ओम सर वेरी गुड पहुंचते हैं हम लोग भी आपके सोल्यूशन पार्ट तक ठीक है तो जब आप लोग इसको बनाओगे तो आपको क्या करना ने लिखा वेरी गुड yes, अब इसका एक और बनेगा, जहां है चलो मोहन ने भी लिख दिया कि यस yes, बढ़िया तो अब देखो कैसा दिखेगा ये नेटवर्क ये दिखा हमको यहां पे फोर ओम इसके नीचे की जो वोल्टेज सोर्स थी वो हो गई शॉर्ट ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आवर एलिमेंट इज एट ओम ऊपर हमको फिर से दिखाई देगा एट ओम यहां इसके सामने क्या दिखा? ओम, ओम ये हो गया 5 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको जहां पे चाहिए पूरे सोर्स का इक्विवेलेंट, ये सोर्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट दिस इज दिस पॉइंट ठीक है और जबकि यहां करेंट सोर्स वाली ब्रांच का क्या हुआ भाई करंट सोर्स तो ओपन सर्किट करते हैं ना इंफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हटा दो उसको ओपन कर दिया वोल्टेज था शॉर्ट कर दिया अब जो नेटवर्क बचा है कर लेते हैं इसमें पार्ट की कोई जरूरत नहीं इसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं हैं हटा से इतना ही आंसर आ जाएगा ठीक है तो 20 5 कैसे करोगे आप ट्वेंटी इन टू फाइव अपॉन ट्वेंटी प्लस फाइव दैट इज हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फोर ओम दैट इज आर टी एच कंप्लीट तुरंत तुरंत कंप्लीट कोई टफ टास्क नहीं है ठीक मजा आ गया बढ़िया ठीक है अमन अमन ने भी थैंक यू बोला हुआ सबको क्लियर आशीष को भी क्लियर बढ़िया उत्कर्ष बहुत बढ़िया आर टी एच फोर ओम संदीप फोर बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड यार बहुत जोरदार ज्योति आपका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है जल्दी से इसमें मैसेज करो ठीक है मुझे दिखना चाहिए कि सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो आर टी एच इज फोर ओम्स ये वैल्यू निकल के आ गई ऐसे ही पार्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा था वहां पे कि जब स्टार एंड डेल्टा की भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी नेटवर्क जो कॉम्प्लिकेटेड इतना हो जाएगा कि कई बार आपका आरटीएच इस क्वेश्चन में तो चलो आसानी से निकल गया आरटीएच ठीक है हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए स्टार एंड डेल्टा भी अप्लाई करना पड़ सकता है तो यही रीजन था हम लोगों ने पहले स्टार एंड डेल्टा निकालना सीखा बाद में नॉटन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग ठीक है ज्योति ने कभी मैसेज आ गया है क्लियर आरटीएच फोर ओम्स बढ़िया वेरी गुड ठीक तो अब क्या करना है लास्ट स्टेप अब आखिरी स्टेप क्या बचता है इसके बाद अब VTH आ गया RTH आ गया अब क्या करें अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नया इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं यहां पे हम लोग क्या ड्रा करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट यहां पे दिखेगा हमको ऐसा एक VTH इसमें इसकी वैल्यू लिख लेंगे कितनी वैल्यू थी VTH की देखो 4 वोल्ट ठीक तो मैं लिखूंगा VTH इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट VTH इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट सिमिलरली ऊपर वाले सेक्शन में सीरीज में जो इक्विवेलेंट आएगा वो आता है आर टी एच इसकी वैल्यू फोर ओम्स ठीक है और इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है एक आर एल आवर लोड ऑफ़ ठीक मोहन ने लिखा सर करंट सोर्स वाई ओपन सर्किट करेंट सोर्स को ओपन सर्किट क्यों किया क्योंकि बेटा करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ना इसको अभी के लिए ध्यान रखना आप कि करंट सोर्स

अलग अलग कर दो तो अपने आप आ जाता जा जा है दोनों के बीच में क्लियर बढ़िया ज्योति का भी मैसेज आ गया आई एल बोलते हैं वो लोड के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है इसलिए उसको आई एल से ही रिप्रेजेंट किया जाता जा है ठीक है तो यहां से आई एल की वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट अंदर अप्लाई करते हैं और यहां पर फिर लिखेंगे IL इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL ठीक है ओम स्लोप बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 5 दैट इज 4 अपॉन 9 दैट इज 0.44 एंपियर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है यहाँ से क्लियर है क्या सभी को बढ़िया वैल्यू तो आ गई आप लोगों की 0.44 एंपियर संदीप ने भी बताया हुआ है ठीक बढ़िया 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 4 अपॉन

उसमें भी पूछा जाएगा और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही जल्दी है आपका पूरा और, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं फेब मंथ में जो यूपीपीसीएल का एग्जाम होने वाला है तो आप उसके लिए एकदम ट्यून रहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट ठीक है तो कनेक्टेड रहना जरूरी है राहुल ने लिखा सर यूपीपीसीएल में बीटेक वाले क्यों नहीं फॉर्म भरने के लिए दिया जेई का निकला हुआ है जेई का जब एक्सपे तो करेंगे ठीक है मोहन करंट डिवीजन रूल भी मैं बीच में एक, एक आध दिन ये टी वगैरह खत्म हो जाने पावर तो, ट्रांसफर तक हो जाने देते हैं उसके इमीडिएटली बाद में करंट डिवीजन रूल और uh, एक और चीज सोचे रखा हूं आप लोगों के लिए सोर्स uh, ट्रांसफॉर्मेशन ये दो चीज में एक ही दिन एक ही साथ एक ही लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है तक यूजीवीसीएल के लिए कुछ करो सर करके ठीक है यूपीपीसीएल का पहले अभी पहले फोकस करते हैं अभी वो हमारा प्राइम टारगेट है क्योंकि वो एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ और एकदम क्रैश कोर्स सही समय पर उसी चीज के लिए है बिल्कुल प्रॉपर ठीक है ये जो समय चल रहा है ना ये यूपीपीसीएल के लिए एकदम फिक्ड समय है इतने ड्यूरेशन में आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप लोग एकदम रेडी हो जाओगे उसके फैप के एग्जाम के लिए तो एकदम स्टेट यून रहना है आप लोगों को यूपीपीसीएल की डिटेल प्रिपरेशन एनालिसिस स्ट्रेटेजी और कंटेंट ये तीनों चीज आ रहा है से थोड़ा सा टाइम रखना अपने पास और थोड़ा सा टाइम और लगेगा ज्योति ने लिखा है कि एंड मशीन कब होगी सर स्टार्ट बहुत जल्दी मशीन आपको डायरेक्टली अब यूपीपीसीएल के क्रैश कोर्स में ही मिलेगा यूपीपीसीएल का जो क्रैश कोर्स जो अभी जो शुरू होगा जस्ट कुछ टाइम पे तो यूपीपीसीएल के लिए जो डेडिकेटेड एक सीरीज जो चलेगी ना बस उसी पे आपको मशीन का भी लेक्चर डायरेक्टली ले मिल जाएगा ठीक है चलो देखते हैं अब नेक्स्ट है क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा नॉर्टन थ्योरम क्या बोला मैंने क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा नॉर्टन थ्योरम तुरंत समझ आएगा वो भी ठीक है लिखा हुआ इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर बाय यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम और ये आपके सामने सर्किट है ये आप लोगों के सामने सर्किट है ठीक सर्किट में हो सकता है कुछ पार्ट आपको ब्लर दिखाई दे इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं और आप लोगों के लिए इस सर्किट को लेके चलते हैं बोर्ड पर ठीक तो देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको देखो यहां पे लगा हुआ है थ्री ओम का एलिमेंट ठीक है यहां लगा हुआ है सिक्स ओम का रजिस्टर यहां लगा हुआ है फाइव ओम ट्वेल्व वोल्ट वैसे हियर वी हैव थ्री ओम यहां पे हमारा है टेन ओम का रेजिस्टर। नॉटन स्योरम और ज्यादा इजी होता है अगर आप थे सीख गए तो नॉटन में तो कुछ भी नहीं रखा है नॉटन स्योरम इज द वन ऑफ़ अफ दियोरम ठीक है और दिस इज अवर लोड करेंट आई लोड ठीक और इस लोड रजिस्टर की वैल्यू है एट ओम ठीक है ऐसा कुछ सर्किट आपके लिए बना हुआ है यहां पे ठीक बढ़िया इस सर्किट को चलो लेके चलते हैं बोर्ड पे और इसका ऑपरेशन करते हैं क्या करेंगे इसका ऑपरेशन किसके हेल्प से नॉटन थ्योरम के हेल्प से क्या ऑपरेशन करना है भाई क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है पढ़ लिए क्या आप लोग सब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है क्या आप लोग पढ़ लिए क्या तो इसको एक बार वापस से ले आता हूं क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लो इसमें मिस कुछ भी पार्ट मत करना क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि यू हैव टू कैलकुलेट द करेंट फ्लोइंग थ्रू लोड रजिस्टर यानी आई एल की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है यहां पे ठीक है आपसे पूछा है आई एल की वैल्यू की लोड रजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट कितनी है? तो के हेल्प से आपको ये करके बतानी है. है, ना? ये क्लियर है ना सभी को चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा अब नॉर्टन थ्योरम में देखो है तो यानी इस सर्किट को भी किसी इक्विवेलेंट सर्किट में बदलने वाले हम लोग लेकिन वो जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होगी उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं क्या क्या चीजें होती हैं तो उसकी इक्विवेलेंट जो सर्किट बनती है उसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ नॉर्टन थियोरम हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ कि उसकी इक्विवेलेंट सर्किट में एक करंट आती है जिसको कि बोलते हैं आई एस सी या आई एन ठीक है इसको क्या बोलते हैं नॉटन्स नोटन्स इक्विवेलेंट करंट या इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट शॉर्ट सर्किट करंट ठीक है और इसी के साथ एक और चीज आता है इसमें क्या आता है आर एन दैट इज इक्वल टू आर टी एच दैट इज आवर नॉर्टन्स नॉटंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वी वैलेंट रजिस्टेंस ठीक है या इसको सोर्स रेजिस्टेंस सोर्स नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ठीक है जिसको ध्यान से समझो आईएससी या आईएन जो होता है वो नॉटन इक्वेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है जिसको इसको इक्विवेलेंट करंट कहलाता है जिसको कि हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं ठीक है

अगर आप ब्रांच को हटा दोगे अगर आपके माइंड में आया कि सर ठीक है लोड रजिस्टर को हटा देते हैं और करंट निकालते हैं तो जब रजिस्टर को हटाई दिया तो करंट कहां से जाएगी वहां करंट तो जा ही नहीं सकती तो आप करंट अगर निकालना है तो आपको उस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा आपको उसको हटाना तो है लेकिन रिप्लेस करना है उसको विद अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच तब पता चलेगा प्योरली कितनी करंट वहां से जा रही है वही करंट कहलाएगी कौन सी करंट आई एस सी या आई एन नॉर्मली इसको आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज नथिंग बट नॉट करंट

अब उसके बाद फिर जाएंगे हम उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने जहां पहले से हम लोग जानते हैं कि करंट सोर्स इन पैरल है इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क ठीक देखो बोर्ड पर जल्दी से कैसे सॉल्व होगा ये बोर्ड पर देखो जल्दी से कैसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन ठीक है सबसे पहला स्टेप अब हमको कैलकुलेट करना है टू कैलक्युलेट ई एन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एन इसी सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि मुझे आई एन या आई एस सी निकालने के लिए वो चीज करना जरूरी है यहां पे मैंने लिख दिया 12 वोल्ड अब इसके बाद है 6 ओम फिर इसके बाद 3 ओम यहां पर है फाइव ओम्स ठीक है इसके बाद इधर है टेन ओम्स एंड देन कितना है सेवन ओम ठीक है और एट ओम का जो हमारा रजिस्टर था उसको हटाया मैंने और ब्रांच को क्या किया इन दो पॉइंट्स पे ऐसा क्लोज कर दिया ठीक और यहां से जो करंट जाएगी दिस विल बी माय आईएससी समझ गए ना कैसे फाइंड करना है कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें कुछ भी नहीं रखा है इसको शॉर्ट करने के बाद अब ये भी एक मैश की तरह बिहेव करेगा और अगर आप केवीएल से सॉल्व कर रहे हो तो इस मैश की जो करंट होगी वही होगा आपका आईएस से सिंपल है ठीक चलो अब अगर मैं केवीएल से ही सॉल्व कर रहा हूं मैं चाहूं तो केसीएल से सॉल्व करूंगा और इजी हो जाएगा बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप इसको केवीएल से सॉल्व कर रहे हो तो केवीएल से करो और यहां पर मैंने लिखा आई वन यहाँ आई टू यहां आई थ्री जैसी मेरी आई थ्री की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा मेरा नोटन करेंट आई एन या आई एस सी ठीक आई वन के लिए मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन बना लेता हूं मैश वन मैश वन क्या लिखू यहां पे? सिक्स एंड थ्री नाइन क्या लिखू माइनस नाइन आई वन प्लस सिक्स आई टू प्लस जीरो आई थ्री इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन क्लियर सेकंड मैश मैश टू एम टू ठीक है क्या लिखू इसके लिए देखते हैं सेकंड मैच के लिए मैं लिखूंगा यहां पे जब देखूंगा तो सिक्स जो है वो वन के साथ शेयर हो रहा है तो आई विल राइट इट एज सिक्स आई वन माइनस सिक्स एन फाइव इलेवन एन थ्री फोर्टीन और टेन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आई टू प्लस टेन आई थ्री इज इक्वल टू कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इज इक्वल टू जीरो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू ठीक थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं मैच नंबर थ्री के लिए लिखते हैं यही हमारा काम का मैश है इसी की वैल्यू चाहिए यहां की करंट की तो मैं लिखूंगा भाई I1 के साथ कुछ शेयर नहीं हो रहा है तो जीरो आई वन प्लस टेन आई थ्री टेन आई टू नॉट आई थ्री एंड माइनस टेन प्लस सेवन दट इज सेवनटीन माइनस सेवनटीन आई थ्री इज इक्वल टू जीरो वोल्टेज सोर्स तो है नहीं यहां पे ठीक चलो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर

देखो सबसे पहले यहां पे इक्वेशन पुट कर लेते हैं तीन इक्वेशन आई आप लोग भी प्रॉपर बनाना कॉपी में और उसको चेक करते जाना कि एग्जैक्ट सेम वैल्यू आप लोगों की भी आती है या नहीं सो वी हैव थ्री फर्स्ट वन इज माइनस नाइन देन सिक्स जीरो ट्वेल्व सॉरी इट इज माइनस ट्वेल्व ना तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ट्वेल्व फिर नेक्स्ट रैंक पे मैं लिखूंगा सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर टेन और जीरो लास्ट रैंक पे लिखूंगा जीरो टेन माइनस सेवनटीन एंड जीरो सो फाइनल वैल्यू मेरे पास जो आई करेंट्स की वो आई आई वन इज इक्वल्स टू वन पॉइंट सेवन डबल वन एम्पियस सिमिलरली आई टू की वैल्यू जो आई दैट इज जीरो पॉइंट फाइव डबल सिक्स एम्पियस एंड आई थ्री की वैल्यू आई जो इंपॉर्टेंट है जिसका वेट भी कर रहे हैं हम लोग दैट इज जीरो पॉइंट थ्री 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 एम्पियस एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू दिस इज आवर आई एस सी या आई एन इसी को बोल लो आप ठीक है ना मोहन ने लिखा कि आर एल आर एल इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन सेवन फोर संदीप का आया आई एस सी जीरो पॉइंट ट्रिपल थ्री एमपियर आई एस सी वही होगी जो आई थ्री होगी आई एस सी और आई थ्री एक ही चीज है ठीक ज्योति का आंसर है आई वन इज इक्वन पॉइंट सेवन डबल वन बढ़िया सेकंड वाला आया आपका जीरो पॉइंट फाइव डबल सिक्स गुड और थर्ड वाला है आपका जीरो पॉइंट ट्रिपल थ्री आप सभी बच्चों का टास्क ये है कि इस सेम क्वेश्चन को केसीएल से भी बना के देखना इस सेशन के बाद इस सेम क्वेश्चन को केसीएल से ट्राई करना आंसर आपका एकदम सेम आएगा कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए अगर डिफरेंस आ रहा है तो मुझे बताना उत्कर्ष का आंसर है जीरो पॉइंट और आकर्ष का भी आगे आई एस सी जीरो पॉइंट या आई बोल लो आप इसको एक ही बात है

इधर पे हो गया कितना टेन ओम और लास्ट वाले पोर्शन में हो गया सेवन ओम और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लोड रजिस्टर को हटाना पड़ेगा यहां पे इसी दो पॉइंट में आपको आर आर ए बी या एन कैलकुलेट करने की नीड है क्लियर है ना ऐसा नेटवर्क आपका बचेगा तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ये जीरो ओम हो गया और इसके साथ सीरीज में थ्री ओम जीरो प्लस थ्री दैट इज थ्री ओम तो अल्टीमेटली थ्री इज इन पैरल विथ सिक्स थ्री इज इन पैरल विथ सिक्स तो कैसे लिखोगे आप इसको आप इसको लिखोगे थ्री इन टू सिक्स अपॉन थ्री प्लस सिक्स एटीन अपॉन नाइन टू टू ओम यहां पे आ गया 2. 2 5, 7. 3, 10. तो अगला एलिमेंट आ गया यहां पे आपका टेन और पैरल में है किसके साथ ये टेन के साथ तो आप कैसे लिखोगे टेन इंटू टेन अपॉन टेन प्लस टेन दट इज हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी जिसका मतलब हो गया कि यह आ गया फोर ओम एंड फोर और सेवन एंड सेवन नॉट फोर यार इट इज फाइव फोर कहां से आएगा इट इज फाइव ना हाँ अब आप क्या लिखोगे यहां पे आ गया फाइव एन सेवन अल्टीमेटली आपका क्या आ गया आर एन यानी कि आर ए बी बोलने का मतलब है इसकी वैल्यू आ गई फोर फाइव प्लस सेवन दट इज ट्वेल्व ओम्स क्या इतना ही आप सबका आ रहा है क्या इतना ही आप सबका आ रहा है आकर्ष का भी आ गया ट्वेल्व है आर Rn की वैल्यू टू पहले लिखा था क्या? आकर्ष? अच्छा, करके लिखा ट्वेल्व बढ़िया, बढ़िया. उत्कर्ष ट्वेल्व भी नहीं है तो आपका आ गया, 12 अब क्या आप नॉटन सर्किट ड्रॉ करोगे यहाँ पे कैसा दिखता है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा यहाँ पे ड्रॉ करोगे करेंट सोर्स जिसका नाम लिखा अपन ने आई एन नॉटन करेंट इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी है

ठीक और फाइंड क्या करना है हमको अल्टीमेटली हमको यहां से जाने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इज द लोड करंट आई एल ठीक आखिरी कैलकुलेशन जल्दी से ये इक्विवेलेंट सर्किट जरूर करना कन्वेंशनल में अगर पूछेगा या सेमेस्टर में पूछ रहा है कहीं पे भी कन्वेंशनल के पेपर में ये अगर नहीं ड्रॉ किया तो मार्क्स कट होता है इसका ध्यान रखना आप लोग ठीक फॉर्मूला क्या बनता है यहां से इसका फॉर्मूला बनता है नाव आई एल इज इक्वल टू आई एन इन टू आर एन होल अपॉन

गॉट द वैल्यू ऑफ लोड करेंट एज पॉइंट वन डबल नाइन एमपियर और यह हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर ठीक है तो क्वेश्चन में जो पूछा इसका फाइनल आंसर जीरो पॉइंट वन डबल नाइन एट यह आ रही है फाइनल वैल्यू हमारी ठीक है ना कुछ भी टफ नहीं था इसके अंदर पता है कुछ भी टफ नहीं था ये प्रॉपर एक एक स्टेप के साथ सर्किट ड्रॉ करते गए गए इसको सॉल्व करते और आप फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाओगे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है वो पता होना जरूरी है ज्योति का भी आंसर आ गया जीरो पॉइंट वन डबल नाइन एट एम्पियर्स गुड तक का भी आंसर आ चुका है तो क्या किया हम लोगों ने नॉटन सिक्वलेंट फाइंड करना था और इसमें क्या डिफरेंस है कि वहां पर वोल्टेज फाइंड करते थे वीटीएच वोल्टेज निकालने के लिए आपको रजिस्टर को रिमूव करना पड़ता था तब जाके दो पॉइंट बनेंगे जिसके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा आपको लेकिन यहां करंट फाइंड करना है अगर आप रिमूव कर दोगे तो तो करंट करंट जाएगी ही नहीं तो फिर कैसे निकालोगे current? आपको क्या करना है इस रजिस्टर को हटाना है और शॉर्ट सर्किट करना है इस ब्रांच को इस तरीके से इसी कारण से इस करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं जिसको कि नॉर्टन करंट के नाम से भी आप जानते हैं ठीक है बढ़िया हाँ करंट डिवाइडर रूल एकदम सही लिखा है तक ने अब क्या हुआ शॉर्ट सर्किट करंट हमको फाइंड आउट करना है तो हम केवीएल केसीएल जो लगा सकते हैं उससे फाइंड कर सकते हैं आपके ऊपर है प्योरली सेम क्वेश्चन को इसलिए मैंने बोला कि इस सेम क्वेश्चन को केसीएल से सॉल्व करके देखना आप लोग इसी सेम क्वेश्चन को इसी सेम डेटा के साथ ठीक देखना सेम वैल्यू मिलेगी आपको तो हम लोगों ने अभी फिलहाल केवीएल लगाया केवीएल की हेल्प से तीनों मैच की करंट मैंने निकाला और उसके बाद फिर देखा कि आखिरी वाले मैच की करंट जो होगी वही है हमारी शॉर्ट सर्किट करंट ठीक है इस ब्रांच से गुजरने वाली करंट

इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिए दैट इज 12 वोल्ट्स 12 ओम्स अब इसके बाद आप क्या करोगे इक्विवेलेंट नॉटन इक्विवेलेंट ड्रा करोगे ये किसका इक्विवेलेंट है ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट है ये वाले सर्किट का अब मतलब हम लोग इस सर्किट को अब कन्वर्ट कर दिए हैं इस इक्विवेलेंट के फॉर्म में ठीक और यहां से आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो IL INRन RN RL और इस आइडेंटिटी की हेल्प से आपका फाइनल लोड करंट जो है वो मिल गया 0.199 एम्पियर्स क्या ये सभी को समझ में आया आज का थेवेनेंस और नॉटनंस क्या आप सब बच्चों को क्लियर हुआ है क्या तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया आज के सेशन में ये जरूर मुझे बताओ अभी क्योंकि ये जो थ्योरम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो ये जो थ्योरम था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये आप सबको समझ में आना जरूरी था और मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाओ या आप सेमेस्टर का पेपर दिलाओ आपके हर पेपर uh, में आपको ये आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन ठीक है चौथी का मैसेज आ गया बिल्कुल कि क्लियर सर बढ़िया ये मेथड अगर क्लियर है तो फिर कल मजा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में ठीक है संदीप आकर्ष उत्कर्ष तक्ष ज्योति बढ़िया awesome. आप लोग awesome हो इसलिए मजा आ रहा है ठीक है आप लोग सब असम हो इस कारण से पढ़ने में डबल मजा आ रहा है थैंक्स फॉर द हार्ट्स आप सभी को आज का सेशन करते हैं अब यहीं पे वाइंड अप जल्दी से तो आप सभी को समझ में आ चुका है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं आप सबका मैसेज भी आ गया तो वेरी वेरी गुड एनर्जेटिक सेशन था मजा आया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े जल्दी से पढ़े और दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ लिया हम लोग ठीक है तो अब कल के सेशन में आप लोगों से मिलूंगा इसी थे और नॉटन्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए प्योरली कल के सेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग खूब सारे तो रेडी रहना आप लोग ठीक है वेटिंग फॉर टुमारो क्लास अमन ने लिखा हुआ है ठीक अमन जोरदार लेवल पर पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाएंगे और इसी स्पीड इसी एनर्जी के साथ बनाएंगे तो आज का सेशन अब करता हूं मैं यहीं पर एंड आप सभी स्टूडेंट से मिलूंगा कल पूरे एनर्जी के साथ फिर से कल पढ़ेंगे हम लोग सो टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स